कौन सा छाता है भाई तुम्हारा? दो वीकेंड से प्लान बना रहे, बट वो चला गया मेरे पास से। क्या मन का जब तक रख सकते हैं। एक काम, इसको टाइट करना है और छोटे छोटे निशान बन गए हैं। बाहर बारिश हो रही है, अपन कार से निकलेंगे। ये थोड़ा ज्यादा हो गया कि शोरूम से निकला है, मगर जहाँ से जो चीज मिले उसको सीख लो। सो दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। हम लोग पूरा भीग चुके हैं। कल रात 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है और थोड़ी भी नहीं रुकी है। ये देखिए अभी भी बारिश हो ही रही है और ऐसे में हम लोग आए हैं। ये मेरा पूरा पैंट भीग चुका है, पूरा टी शर्ट भीग चुका है, मैं खुद भीग चुका हूँ, लेकिन फिर भी जिम आए हैं और आज हम करेंगे आर्म्स। ये मेरा पूरा बैग भी भीग चुका है। आपका छाता उधर है ना? इनमें जिनका जिनका छाता है ना, उनमें से जो बचेगा मैं लेके चला जाऊंगा। हाँ, कोई लेके चला गया होगा। कौन सा छाता है भाई तुम्हारा? वो है इनमें। कौन सा? लंबा वाला है। बाकी ये दोनों में से कौन सा? तो अगर कोई आएगा ना ऐसे तो बताना मुझे। तो गाइस हमारा वर्कआउट तो हो गया, लेकिन हमारा छाता खो गया जो मेरा था। फिर अभी ये दूसरा जो बचा हुआ था वो मैंने उठा लिया है, ताकि मुझे भी तो इस भीगते हुए बारिश में घर जाना है ना। किसी ने ब्लैक ब्लैक समझ करके शायद गलत उठा लिया होगा। बाकी ये आर्म्स मारा है आज और बहुत ही मज़ा आ गया बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मारने में। हम लोग जब आए थे उस समय भी बारिश हो रही थी और अभी जब जा रहे हैं तब भी बारिश हो रही है बाहर। ओ भाई, ये तो पूरा पानी जम गया यार। चलो अब इसको खोलते हैं। मेरा मियोमियो तो चला गया, अब ये नया आया है थंडर ब्रेकर। साला ये बहुत कमजोर सा है, ये कमजोर सा है। मेरा अच्छा वाला लेके चला गया, अपना कमजोर सा छोड़ के चला गया। ये रही हमारी बाइक, साइड में मैंने जल्दी जल्दी में लगाया था। निकाल, आराम से स्लिप ना हो जाए। वाह क्या बात। ये देखिए गाइस हमारा अमित वर्मा कैसे बाइक पे चढ़ रहा है। मुझे ना मेरे खुद के घर में अब ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, इतने दिनों से जो काम चल रहा है एंड आई एम स्टक इन बिटवीन। आप चाहो या ना चाहो, जब आपके घर में काम लगा होता है तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं उन चीज़ों में बिजी रहता है। आज भी मैं पूरे दिन अपने फ्लैट में था, जिम से आया हूँ, अमित अपने फ्लैट चला गया, मैं अपने फ्लैट, और तब से मैं देख रहा हूँ कि कैसे क्या टाइल्स लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे हैं, कैसे लगेंगे नहीं लगेंगे एंड एवरीथिंग। अभी ये जो जगह देख रहे हैं आप, इस जगह पे लगेगा वॉश बेसिन। इसके लिए आज हमने फाइनल कर लिया कि वॉश बेसिन कैसा लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, इन प्रोसेस हैं, बट फिर भी अभी लगेंगे 7 दिन 8 दिन 10 दिन। नायु भूत बन रही है। अरे बाप रे, भूत बन गई नायु। Hey guys, welcome back to the vlog। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। इस समय दोपहर के 11 बज रहे हैं, दोपहर के नहीं सुबह के 11 बज रहे हैं, और मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ। बाहर देखिए हो रही है बारिश, और वो भी एकदम मजेदार झक्कास वाला। आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे। अगर ऐसे ही बारिश होता रहा कल और आज, क्योंकि 2 दिन से तो पहले हो रहा है, तो हमारा प्लान है कि इस बार वीकेंड में पक्का जाएंगे। 2 वीकेंड से प्लान बना रहे हैं कि कहीं जाएंगे घूमने, कहीं जाएंगे घूमने। तो अगर कल तक ये हो करके खत्म हो गया तो जरूर जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पता नहीं। मेरे दिमाग में ये भी अब चल रहा है। पता है क्या, बारिश के मौसम में एक अलग सा सिहन सा स्मेल आता रहता है, वो अभी सुबह से आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है वो चीज़। ये देखिए ऊपर दीवार पे यहाँ पे सिहन हो चुका है, और अभी यहाँ पे हम लोग कुछ पोहा वोहा बनाएंगे। मैं इसमें अभी ब्रेड डाला है मैंने, टोस्ट ब्रेड में बटर लगा करके भी थोड़ा सा खाएंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं है हमने इसके लिए, उसके बाद पोहा बना के नाश्ता करेंगे। और ये हमारा पोहा बन के रेडी हो चुका है। इस बरसते हुए बारिश में हम इस पोहे का नाश्ता करेंगे। तो गाइज अभी अमित के घर से अपने घर पे जाऊंगा। आज सफाई वगैरह कर रहे हैं तो सफाई के लिए सामने ही रहना पड़ता है, जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अभी सुपरमार्केट से कॉफ़ी और चाय उठाऊंगा। मेरा कॉफ़ी का पूरा पैकेट खत्म हो गया है, चाय नहीं हुए, दूध उठाऊंगा, और उसके बाद चलेंगे अपने फ्लैट पे। ये छाता लेके तो मैं जा रहा हूँ, बारिश हो रही है लगातार, मगर ये छाता मेरे वाले छाते के अकॉर्डिंगली छोटा है। मेरा वाला स्ट्रेंथ ही थोड़ा मजबूत था इससे, बट वो चला गया मेरे पास से। शिट। ये 10 वाला पूरा पैकेट है, मेरे को 2 वाला चाहिए। चलो दूध ले लेता हूँ 1 लीटर। एकदम बढ़िया हूँ भाई, तुम बताओ। ये भाई मेरा ब्लॉग कंटिन्यूअस देखता है ना? अरे जीरो देखता हूँ। हीरो लग रहा है भाई, पीछे का दिखाओ। नहीं, अरे दिखाओ ना, वो भोले बाबा का सेवक हूँ इसलिए है, इसके लिए वो डाल के रखा है। दिखाओ पब्लिक को। ये देखिए गाइस, ये भोले बाबा का सेवक है इसलिए ऐसा, इसको चोटी बोलते है ना भाई? चोटी बोलते है। कितने साल तक रखना है इसको? ऐसे ऐसे अपने दिल का मन का जब तक रख सकते हैं तब तक। हाँ।
पूरे पूरे जवानी तक, पूरे बुढ़ापा तक रख सकते हैं। वाह भाई सही है। बम बम भोले, जय भोलेनाथ जी। और ये इधर साइड से मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे गेट के आगे देखिए पूरा ओशन बन चुका है, इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन जो बोल लीजिए। और वो वाली गाड़ी तो भाई अब उसका पूरा चक्का का टायर जो है ना वो पानी के अंदर जा चुका है। इधर से जा रहा हूँ, सो गाइज आई एम बैक टू माई ओन बेडरूम और अभी थोड़ा बैठ के एडिटिंग कर लेते हैं वीडियो को, उसके बाद आप लोगों से मुखातिब होते हैं, बाहर भी दिखाएंगे कि क्या क्या काम हुआ है और कैसे साफ सफाई चल रहा है। एक काम इसको टाइट करना है, बाहर वो देख रहे हैं पाइप, वो जो टी पॉइंट बना हुआ है उसको वहां से कट करके वहां पे उसको ब्लॉकर लगाना है। ये देखो इसको ना ऊपर ढक देना, सोफा जो है ना वो ढका रहेगा, ठीक है ना, उधर से गिर रहा है ना तो थोड़ा डस्ट वस्ट जाने की वजह से। अभी ये काम हो रहा है, ये जो दरार है ना इनके बीच में भरा जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको छोटू, सांदा बोलते हैं जिसको डाल के इसके कलर के मुताबिक मिक्स करके इसको मिलाते हैं ताकि जो गैप है एक और दूसरे टाइल्स के बीच में वो नजर ना आए। ये मजेदार बारिश हो रही है, मैं कार का चाबी लेके अभी नीचे आया हूँ, कार से चलते हैं इस मजेदार बरसते हुए बारिश में थोड़ा पीछे साइड, होटल के पीछे साइड। मैं अभी जाऊंगा अपने फ्लैट से निकल के अमित के फ्लैट पे, अमित को पिक करूंगा और फिर हम दोनों निकलते हैं थोड़ा गेड़ी मारने के लिए फिर से आते हैं। लेकिन यहाँ से वहाँ जाने के लिए मुझे ये सारा यूज करना पड़ेगा, बहुत तेज बारिश हो रही है। कार के अंदर घुसने और निकलने की वजह से देखिए ये जो पानी के छींटे पड़े हैं ना मेरे पूरे डैशबोर्ड पे भी पड़ के देखो, ये सब यहाँ पे पहले जो हम लोग गए थे सूख गया है और छोटे छोटे निशान बन गए हैं ऐसे ऐसे, इसको साफ करवाना पड़ेगा या खुद साफ करना पड़ेगा गाइस, ये बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा है। नज़ारा देखो नज़ारा, ये इधर वाइपर को मैंने अभी 3 पे चालू करके रखा है, 3 पे, तेज हवा चल रही है और तेज बारिश हो रही है। ओ भाई यहाँ पे तो वाटरफॉल का स्पीड देख के आपको समझ में आ जाएगा, देखिए ये है वाटरफॉल का नया स्पीड, ये रोड वोड सब भरा हुआ है पानी से। चलो अच्छा है, मजेदार आज इसीलिए निकला हूँ टहलने के लिए मैं बाहर, बाहर बारिश हो रही है, अपन कार से निकलेंगे कोई वांदा नहीं है। मैंने कार इसके लिए अंदर घुसा के पार्क किया ब्रो ताकि तेरे को भीगना ना पड़े, देखता है कितना केयर है मुझे, थैंक यू। मैं इधर देख घुसा तो सब भीग गया था इसलिए मुझे मेरे कार की केयर थी भाई। चले तो गाइस आ चुके हैं हम अपने फेवरेट जगह पे और अब बारिश हो रही है बाहर, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो सोच रहा हूँ अपने कार को थोड़ा साफ कर दूँ, बारिश वगैरह की वजह से ये गंदा हो गया ना तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। लगे हाथ एक काम दो काम नहीं, एक पंथ दो काम, हाँ तो एक पंथ दो काम कर लेते हैं। तो गाइस देखिए पवन अपनी कार साफ कर रहे हैं यहाँ पे, कार को तो गाइज मैंने एक बार कपड़ा मार दिया है केवल कार के ऊपर और कार बिल्कुल चकाचक हो गया, बिल्कुल चकाचक एकदम लग रहा है कि शोरूम से निकला है, थोड़ा ज़्यादा हो गया कि शोरूम से निकला है, मगर साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। अभी मैंने धोने वाला को हटाया हुआ है क्योंकि वो रोज़ नहीं धोता था और यहाँ आने के बाद अभी बरसात में कहीं जाना होता नहीं है तो गाड़ी एक जगह ही रहती है खड़ी, 10 दिन में 15 दिन में एक बार इधर ला करके खुद से ही धो लो तो वो काफ़ी है, सफिशियंट है, इसलिए अभी अपने कार को धो लिया। अब इसको आप देखो मैं कहाँ धुलूँगा, ये जो पानी यहाँ पे बह रहा है ना ये वाला, इसके अंदर इसको ऐसे डाल दो और धीरे धीरे ये सूख जाएगा, मतलब भीग जाएगा ऐसे, देखा सब गर्मी निकल जाएगी इसका। ये ट्रिक पता है मुझे कैसे पता चला, ये ऑटो वाले जा रहे हैं ना यहाँ पर, ये एक बार आया था मैं ऐसे टहलने के लिए तो ऑटो वाले ने अपनी ऑटो यहाँ पर रोक करके और वो अपने ऑटो को ऐसे ही धो रहा था और कपड़े को यहाँ पर यूँ ऐसे ऐसे करके, तब मैंने सीखा, मैंने कहा यार ये तो यूज़ कर सकते हैं तो अब इसको यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ से जो चीज़ मिले उसको सीख लो, लाइफ में ज़रूर काम आएगा कहीं ना कहीं।